संजय राउत ने फिर से सुशांत केस पर बात करते हुए एक बयान दिया है। क्या कहना है संजय राउत का, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने बयान दिया कि अगर मुंबई पुलिस से नहीं होगा, नहीं हो रहा है, तब आप मांग कीजिए ना। वो भी मुंबई का बेटा था, बिहार से आया था, मुंबई का बेटा था सुशांत, बॉलीवुड का हिस्सा था, बॉलीवुड भी मुंबई का परिवार है, सुशांत भी हमारे परिवार का ही हिस्सा था। हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले उनके साथ। अगर उनकी मौत के पीछे कोई रहस्य है, हम भी चाहते हैं कि वो खुले, लेकिन वहाँ बैठकर बखेड़ा खड़ा करने से कोई फर्क नहीं होगा। इससे जो है सरकार के काम में और मुंबई पुलिस के काम में जो है अड़ंगा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो ज्यूरिडिक्शन की तरफ है कि जिस तरीके से बिहार सरकार कर रही है वो अपने ज्यूरिडिक्शन में रहकर काम करे, हमें हमारा काम करने दे। जिस तरीके से वो बार बार अड़ंगा दे रही हैं, उससे मुंबई पुलिस के काम में बखेड़ा खड़ा होता है। वो आगे कहते हैं कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, वो अपना काम सही तरीके से कर रही है। हम भी चाहते हैं कि क्या हुआ, हमें भी परिवार की चिंता है, सुशांत के बहनों की चिंता है, हम भी उनके परिवार का दर्द समझते हैं, लेकिन हम भी तो उनका परिवार हैं। तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि मुंबई पुलिस अच्छी तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जो है बार बार जो है राजनीतिक तौर पर जो है जिस तरीके से, जाहिर सी बात है उनका इशारा बिहार इलेक्शन की तरफ था कि वहां रहकर बखेड़ा खड़ा करने से क्या होगा, इससे मुंबई पुलिस का काम रुकता है। तो उनका कहना यही था कि अगर आप बार बार जो है काम नहीं करने देंगे तो जांच आगे कैसे चलेगी। लेकिन एक बात साफ है कि वो अभी भी यही चाहते हैं कि मुंबई पुलिस इस पूरे केस की जांच करे, और उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस जो है वो एकदम सक्षम है, वो बहुत अच्छे से जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत के परिवार के साथ हम भी खड़े हैं, हम भी उनका दर्द समझते हैं, और सुशांत हमारे परिवार का भी हिस्सा था बॉलीवुड, क्योंकि मुंबई का भी एक परिवार है। उनके साथ जो हुआ उसका सर चलाना हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी भी वो इस बात पर अड़िग है कि सुशांत केस की जांच जो है मुंबई पुलिस ने करनी चाहिए, बिहार में उसका कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, और इसी बात को जो है वो फिर से कह रहे हैं।